वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेषा क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो भी एक शॉपिंग हॉल वीडियो है। शॉपिंग हॉल वीडियो में आपके साथ में इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आजकल आई हुई हूँ अपने नेटिव प्लेस मुरादाबाद, यानी कि अपनी मम्मी के घर। और जो भी शॉपिंग हॉल मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो लोकल मार्केट के हैं, लेकिन इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी चीज़ों का लिंक। और दूसरी चीज़ ये कि ये जितनी भी शॉपिंग हॉल है ये मेरे अपने पासों से खरीदी गई है, कोई भी स्पॉन्सर नहीं है। और इसी का डेकोर वीडियो जब मैं वापस जाऊंगी अपने घर तो मैं आपके साथ में बहुत सारे होम डेकोर वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इसलिए उसके लिए भी जुड़े रहें। तो आज की शॉपिंग क्या है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है ये बंच लिया है मैंने रोज़ फ्लावर्स का, ये पेटल्स वाला आप देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा है। लंबा तो ये आधा फुट का है, लेकिन इसमें इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, हुक दिया हुआ है और इसमें काफ़ी सारी बंच दी हुई है इस तरीके से। और ये पूरा लटकने वाला है, इसको आप कहीं पर भी हैंग कर सकते हैं। ये मैंने लिया है 250 रुपीज़ में, यहीं की लोकल मार्केट से, फ्लावर वाली मार्केट से लिया है। और मैं इससे पहले आपको एक उसका टूर भी दे दूंगी, छोटा सा क्विक टूर जहां से मैंने ये परचेज किया था। तो पहले ये जो था ये फ्लावर का बंच जो कि मैंने लिया है 250 रुपीज़ में, और इस वाले फ्लावर बंच को आप कहीं पर भी जैसे किचन में, बैल्कनी में, घर में, कहीं पर भी हैंग करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और सस्ता भी है और वॉशेबल भी है। सबसे चीज़ अच्छी है ये वॉशेबल भी है, आप इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल जस्ट आप जो भी डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं उसके अंदर आप थोड़ा सा उसमें झाग वगैरह बना करके, थोड़ा डिटर्जेंट पाउडर पानी मिक्स करके एक लिक्विड सोप बना लीजिए, और लिक्विड सोप में भी आप इसको वॉश कर सकते हैं, शैम्पू में भी वॉश कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको भिगो करके रख दीजिए थोड़ी देर और उसके बाद में सिंपल पानी में रिंस कर दीजिए, तो ये आपका बिल्कुल एज इट इज़ हो जाएगा। तो पहली चीज़ जो थी मेरी प्रोडक्ट वो ये था। इसके बाद में जो दूसरा प्रोडक्ट लिया है वो भी एक फ्लावर का ही आपको दिखा देती हूँ। ये बेल है, ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स की बेल है इस तरीके की, आप देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं ये कपड़े के ऊपर बने हुए हैं। और ये 3 मीटर की एक बेल है, तो मैंने एक ही खरीदी है। और इससे पहले वाले हॉल में भी मैंने आपके साथ में एक होम शॉपिंग जो शेयर की थी, होम डेकोर शॉपिंग जो शेयर की थी, उसमें भी मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर बंच खरीदा था। वो दूसरे तरीके का था, वो छोटे पत्तों वाला था और वो भी बंच टाइप का ही था। ये मैंने बेल टाइप की ली है, इसको हम कहीं पर भी एज अ डेकोर पीस यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 100 रुपीज़ का। और उसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट शॉपिंग है थर्ड नंबर पर वो है ये शॉपिंग जो है मेरी दोबारा से मैंने की है। ये मैंने आपको साथ में शेयर किए थे इससे पहले वाले हॉल में भी, तो दो मैंने लिए थे, चार इस टाइप के ग्लास लिए थे, टी लाइट ग्लास जो कि मैंने 40 रुपीज़ में लिए थे। तो उसमें से एक ब्लू कलर का जो ग्लास था वो मुझसे टूट गया था, तो मेरा सेट जो था वो ख़राब हो गया है। तो मैं यहीं पर थी तो मैंने सोचा कि और ख़रीद लेती हूँ, तो मैंने दो तो ये और ख़रीदे हैं ब्लू, और पहले मैंने ब्लू और येलो ख़रीदे थे और अभी मैंने ब्लू भी ले लिए हैं और ग्रीन भी ले लिए हैं। और रेड कलर के जो टी लाइट ग्लासेस हैं वो मेरे घर में ऑलरेडी हैं, तो अभी मेरे पास 4 तरह के ग्लासेस हो गए हैं, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। तो ये मैंने 4 ग्लासेस और ख़रीदे हैं। ये एज ए टी लाइट होल्डर आप यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर भी वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास टी लाइट स्टैंड भी है तो उसके ऊपर भी आप अपनी थीम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 4 मैंने ये लिए हैं, ये भी मेरे हैं 40 रुपीज़ के, 10-10 रुपीज़ ईच। और यही सेम मैंने ऑनलाइन पर देखे थे तो मुझे काफ़ी कॉस्टली लगे थे। और उसके बाद में मैंने एक हैंडलूम
हाउस से ख़रीदी है, हैंडलूम बेडशीट है, ये फैब इंडिया की तरफ से, जो फैब इंडिया के लिए बेडशीट्स बनाते हैं यहाँ पर हैंडलूम वाले जो शॉप्स है वहाँ पर मैंने ये ली है, वहाँ से ली है ये मैंने। यहाँ पर आप इस टाइम एग्ज़िबिशन लगी हुई है मुरादाबाद में, जिसको नुमाइश या प्रदर्शनी के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जो शॉपिंग बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए जो सप्लाई करते हैं सामान, उन लोगों से मैंने ये परचेज़ की है। और मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि किस तरीके से ये क्या करते हैं। जो छोटे छोटे कारीगर होते हैं ये अपना सभी जो भी सामान होता है, जो भी हैंडलूम का सामान होता है वो बनाते हैं। मैन्युफैक्चरर हैं ये, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो कि फैब इंडिया और बड़े बड़े डेकोर वगैरह को भी, बड़े बड़े ब्रांड्स को अपना माल सप्लाई करते हैं। तो यहाँ जहाँ बनता है मैंने वहाँ से लिया है, और ये 100% खादी कॉटन में बेडशीट है, और किंग साइज़ की बेडशीट है। बेडशीट तो मैं नहीं खोल रही हूँ, लेकिन आप देखिए इस टाइप का इसका पिलो कवर है, और किंग साइज़ से भी थोड़ा बड़ा ही साइज़ है इसका बेडशीट का, और बहुत हैवी है ये बेडशीट। यही वाली बेडशीट अगर आप इन्हीं ब्रांड्स में से देखेंगे तो आपको यही बेडशीट 3,000 से 4,000 के रेंज में आसानी से मिलेगी, और इससे कम रेंज की नहीं मिलेगी, जो कि मुझे केवल और केवल 750 रुपीज़ में मिली है। इसके बाद में जो मेरी नेक्स्ट शॉपिंग है वो शॉपिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक टी लाइट होल्डर जो कि एंटीक फिनिश में है, आप देख सकते हैं गोल्डन एंटीक फिनिश में है, और इसका जो ग्लास है वो इस टाइप से कलरफुल अलग अलग ग्लास है। तो इसमें अगर आप स्ट्रिंग लाइट लगाएंगे या लाइट लगाएंगे तो ये कलरफुल इसका इफ़ेक्ट आता है, और ये जो जाली वाला पैटर्न है जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो जिस, और ये इसका दरवाज़ा है, इस टाइप से इसका डोर है, आप देख सकते हैं इसमें रेड है, येलो है, स्काई ब्लू है, ये तीन कलर के शीशे लगे हैं ग्लास, और उनके ऊपर भी आप देख सकते हैं इचिंग का काम किया हुआ है, इसको इचिंग वर्क बोलते हैं, ग्लास इचिंग जो होती है। तो और ये बहुत ही सुंदर टी लाइट होल्डर है, आप इसको एज ए बर्ड केज की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसके अंदर आप यहाँ से थोड़ी सी लाइट वो निकाल दीजिए, इसके अंदर ये वाली फ्लावर स्टिक्स वगैरह जो हैं ये भी रख सकते हैं, और इसको इस तरीके से यहाँ से ओपन कर सकते हैं, तो इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैं इसमें एक ये दिया रखने के लिए भी दिया हुआ है, और हैंग करने के लिए भी, आप देखिए कितना हैंग करने के लिए भी दिया हुआ है, एक कुंडा टाइप, तो इस टाइप से। तो इसको मैं एज ए टी लाइट होल्डर ही यूज़ करूँगी, और इसके लिए एक ब्रैकेट खरीदूँगी, और ब्रैकेट खरीदने के बाद में फिर इसको ब्रैकेट में हैंग करूँगी। और ये सिर्फ एक ही पीस था उनके पास, और तो मैंने इसको तुरंत ग्रैब कर लिया। इसको चाहें तो अगर जैसे मैं कुछ दिन तो ऐसे ही यूज़ करूँगी, क्योंकि इसी तरीके की एंटीक फिनिश में, और इसके बाद में जैसे अगर हम इससे बोर हो जाते हैं तो इसके ऊपर हम अगर इसको कवर करके पेपर से, और इतने पोर्शन के ऊपर अगर जो गोल्डन फिनिश में जो स्प्रे पेंट आता है उसको मैं पेंट कर दूंगी तो ये डिफरेंट कलर का हो जाएगा ऊपर और यहाँ नीचे के साइड में गोल्डन कलर से, या फिर अपने थीम के अकॉर्डिंग हम इसको पेंट करते हैं तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा और बिल्कुल नया हो जाएगा। अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि ये थोड़ा इस टाइप का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। कैमरे पर इसकी ब्यूटी जो है वो इतनी एनहेंस नहीं हो पा रही है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको एज इट इज़ ही रहने दूँगी। तो इसका प्राइस जो था वो मुझे मिला है 700 रुपीज़, वो भी सिर्फ एक ही पीस था, इसलिए उन्होंने मुझे 700 में दे दिया था ये, क्योंकि इसका काम जो है ये बहुत ही डिफरेंट सा काम है, और ये मैंने ऑनलाइन पर देखा था प्रोडक्ट, ये मुझे ऑनलाइन पर बिल्कुल भी नहीं मिला है। तो इसको मैं यहाँ पर अपने घर में डेफिनेटली बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाने वाली हूँ। शॉपिंग इतनी ही थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा आज का वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर से कर दें। जल्दी मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।